तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट 2020 आ चुका है और 5 जुलाई को एग्जामिनेशन है। और दोस्तों मैं कहूँ कि अगर आप बिना कोचिंग के, बिना किसी बुक्स के, बिना किसी नोट्स के भी आप सीटेट में 120 अंक पा सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आपने देखा था लास्ट टाइम जो दिसंबर में सीटेट हुआ था, उसमें हजारों लोगों ने 120, 130, 110 और 90, 94 इस तरह के नंबर कई बच्चों ने लिए। और दोस्तों उन्होंने सिर्फ हमारी स्टडी से ही ले लिया था, उन्होंने कोई पेड कोर्सेस नहीं लिया, बिल्कुल फ्री में पढ़ के उन्होंने ये नंबर लेकर आया था। तो वो सारी स्ट्रेटजी और लास्ट में मैं कुछ बुक्स आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि सीटेट 2020 5 जुलाई को परीक्षा होने जा रही है। आपको बता दूं सीटेट थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है। दोस्तों सीटेट में क्या चेंज आए हैं, आजकल जो सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं जो पिछले एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर, भाई प्रीवियस ईयर इतना छोटा मत समझिए, प्रीवियस ईयर बहुत वास्ट है। इसमें 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर सॉल्व करना उतना भी आसान खेल नहीं है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि पेपर उठाया आपने और आपने याद कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक क्वेश्चन समझ के याद करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन समझना होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए 2011 से 2019 तक, तो आधा सीटेट तो आपने वैसे ही क्लियर कर लिया। पॉइंट नंबर टू, भाई यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो आप लोग कहेंगे हमेशा आप एनसीईआरटी की बात करते हैं, भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते भी हैं। दोस्तों क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके ईवीएस की बुक पढ़ो, पर ये ईवीएस की बुक जो है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। और दोस्तों इसका नोट्स हमने बना दिया है हमारे ऐप में, आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से एजुकेशन फॉर यू ऐप को, और वहाँ पर्यावरण एनसीईआरटी नोट्स में जाकर ये क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के नोट्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों क्लास 6, 7, 8 जो बच्चे यहाँ पर एसएसटी वाले होंगे या जो बच्चे यहाँ पर साइंस वाले होंगे, भाई उन लोग को लगेगा क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का बुक उन्हें पढ़ना है दोस्तों। और ये बुक की भी नोट्स हमने वन लाइनर में बना दिए हैं ऐप में, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी सारी बुक्स मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। दोस्तों आगे चलें, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर जो 3 मैंने कवर किया हुआ है, वो लिखा हुआ है मैंने सेल्फ नोट। भाई सेल्फ नोट्स का मतलब क्या है, भाई सीटेट अगर आपको क्लियर करना है दोस्तों, तो आप किसी दूसरे के नोट्स में डिपेंड ना हो, आप सेल्फ नोट्स तैयार करें। आप मेरा वीडियो देख रहे हो आप, या किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, एक कॉपी और पेन लें और अपने सेल्फ नोट्स तैयार करें। जब आप सेल्फ नोट्स तैयार करते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है और आपको रिविजन करना भी उससे आसान हो जाता है। तो मैं कहूँगा आप पॉइंट नंबर 3 में सेल्फ नोट्स सभी लोग जरूर बनाएं, जो बनाएगा उसका रिजल्ट जरूर क्लियर होगा। भाई यहाँ पर मॉडल पेपर की बात कर लें, भाई हम लोगों ने ऑलरेडी 15 मॉडल पेपर निकाले थे, वो मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं ना, ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और हमारे ऐप में भी मिल जाएंगे। भाई ये जो है ना, ये मॉडल पेपर जो सीटेट का पेपर है उसके लिए ना रामबाण सिद्ध होंगे, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा वहाँ जाकर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में। आगे बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी में बात करने से पहले भाई मैं पेपर की बात करूँगा। दो पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 हो रहा है, पेपर 2 हो रहा है, दोनों के लिए लेवल थोड़ा अलग होता है। आपको बता दूं पेपर 1 का लेवल थोड़ा डाउन होता है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, और पेपर 2 का जो लेवल होता है वो हम कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये लेवल बनाया जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इन लेवल को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे चलता हूँ, अब इम्पॉर्टेंट थ्योरी में हम बात कर लेते हैं। भाई थ्योरी में अगर आप देखें तो जो अक्सर अभी लगभग 7-8 साल से जो थ्योरीज चली आ रही है, वो उन थ्योरी की बात करूंगा मैं। भाई जीन पियाजे जी के ऊपर डेफिनेटली सीडीपी में क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है, ईवीएस में भी आ सकता है। तो जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी आपको करनी है और हैंड रिटन नोट्स आपको खुद बनाना है थ्योरी को पढ़ते समय, इज दैट क्लियर। अब इसी तरह वाइगोस्की थॉर्नडाइक के साथ भी आपको ये करना है। भाई कोहलबर्ग नहीं लिखा हूं मैंने, पर कोहलबर्ग को भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर देनी है। और थोड़ा बहुत चॉम्स्की के बारे में पढ़ लेना, एनसीएफ 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ें। इससे 101% कोई भी सेक्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आप हिंदी कहिए, इंग्लिश कहिए, जहां भी आप देखेंगे तो एनसीएफ बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन से दोस्तों यहाँ पर ना हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है, इनके नोट्स तैयार करना है, ये वन बाय वन मैं आपको तैयार करा के दूंगा, वो भी ऑन बोर्ड में, इज दैट क्लियर।
अब दोस्तों हम बात करें हिंदी की, जो बच्चा भाई हिंदी तैयार करना चाहता था कि हिंदी के लिए इतना ज्यादा घबराना नहीं है, आपको दो अनसिट पेसिस में पूरी हिंदी खत्म हो जाती है और पेडागोजी में अनसिन बेसिस में ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको पूछा जाएगा भाई यहाँ पे सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द हो गए, समानार्थी, उपसर्ग प्रत्यय आते हैं। दोस्तों इसमें अलंकार नहीं आएगा, आपको बता दूं अलंकार नहीं आएगा, छंद नहीं आते, रस नहीं आते इसमें सीडेट के एग्जामिनेशन में। तो ये ग्रामर आप ना पढ़े, आपको क्या पढ़ना है पर्यायवाची पढ़ ले, उपसर्ग पढ़ ले, प्रत्यय पढ़ ले, विलोम शब्द पढ़ ले, मुहावरे पढ़ ले, बस यही सिलेबस है यहाँ पे किसका भाई हिंदी का। इज दैट क्लियर। दूसरी बात इंग्लिश में हम चले तो इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रपोजिशन पढ़ना है, कंजेक्शन पढ़ना है, क्लाउज पढ़ना है, और दोस्तों आपको पढ़ लेना है टेंस बस, और आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए लिटरेचर, तो आप इंग्लिश सॉल्व कर पाएंगे, इंग्लिश में अच्छी पकड़ भी आपके साथ साथ में होनी चाहिए। बात करूं ईवीएस की, भाई ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी नोट्स हमारे ऐप में जाके पढ़ेंगे, और एक पर्यावरण का फुल कोर्स डिजाइन किया है हमने ऐप में, वहां जाके आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो भी आपका ईवीएस में बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो इंतजार करें, मैं आपका बुक का भी रिव्यू जल्दी बता रहा हूं। भाई एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के लिए भी धमाकेदार बुक बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूंगा, अगर सीटेट का एग्जाम रियली आपको क्लियर करना है, अच्छे नंबरों से क्लियर करना है, तो सबसे पहले ना याद करना आप छोड़ दें, चीजों को समझना चालू कर दें, वहीं पे क्या होगा एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने याद कर लिए तो मैं कहूंगा कि कम चांसेस है आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर आपने ये प्रीवियस ईयर को समझ लिए तो मैं कहूंगा 101% आपका सीटेट क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे तो कभी भी दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी मोटी बुक की बात करूंगा, और दोस्तों मैंने ऑलरेडी टिकटॉक में और जो हेलो में सारी बुक्स का रिव्यू दिया हुआ है, अगर आपको सेपरेट सेपरेट एक बुक देखनी है एक एक मिनट में तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये जो बुक आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में, भाई ये है आपके दिशा का बाल विकास, या आप ले सकते हैं लूसेंट का बाल विकास, अगर बाल विकास की आपको तैयारी करनी है तो। सॉरी बात दोस्तों, ये तो आपका एस्टेट के लिए आर गुप्ता का ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। अब ये प्रैक्टिस सेट आप इसलिए ले लें क्योंकि इसमें ऑल प्रीवियस ईयर मिल जाएगा 2019 से लेकर 2011 तक के। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है कुछ कुछ क्वेश्चन में, वो तो हम रात 9 बजे जो लाइव सेशन होते हैं ना उसमें हम ये सारी क्लियर कर देंगे आपको जो भी मिस्टेक्स होगी। तो प्रीवियस ईयर को अगर लेना है किसी को भी तो आप यही बुक लेना क्योंकि इसमें कम गलतियां हैं औरों की अपेक्षा। हालांकि गलतियां तो सभी में हैं पर इसमें थोड़ी सी कम है। अब जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं ना तो ये एनसीईआरटी आधारित एक पुस्तक आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो कमल देव वर्मा जी ने लिखी हुई है ये बुक, और हिंदी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, काफी अहम और काफी अच्छी बुक्स है। बात करूं मैं साइंस की, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एनसीईआरटी बुक्स दिखा रहा हूँ, भाई ओम प्रकाश और कांता प्रदीप पांडे जी की बुक लिखी हुई है, आप पिक्चर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है ना ये बुक का वो मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा तो आप वहां पे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये बुक बहुत जबरदस्त रहेगी उन लोगों के लिए, उमराव सिंह और संगीता कौशल इनके लेखक है, एनसीईआरटी आधारित ये पुस्तक बनाई गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो काफी अहम ये बुक हो सकती है आप लोगों के लिए भी सामाजिक विज्ञान की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था आप दिशा के बाल विकास या दोस्तों आप जा सकते हैं लूसेंट के बाल विकास के साथ। अगर आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी है तो आप ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लूसेंट का ये हिंदी व्याकरण ले सकते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो तो ही हो जाएगा, और अगर आप मैथमेटिक्स की आप बुक लेना चाहते हो तो दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी आप बुक प्रेफर कर सकते हो, या दोस्तों और भी कोई मैथमेटिक्स बुक ले सकते हो, आप यूथ कॉम्पिटिशन की ले लें बेटर रहेगी, मैथ्स की बुक कौन सी होगी यूथ कॉम्पिटिशन की ले लेना, सीडेट की अच्छी खासी बुक है, मुझे तो अच्छी लगती है वो। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है, मैं पूरा फुल कोर्स कराऊंगा आपको मैथ्स का। मैथ्स में क्या आता है भी आपको स्थानीय माना जाएगा, जातक माना जाएगा, मतलब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ी बहुत ज्योमेट्रीज पूछी जाएगी, और यहाँ पूछे जाते हैं आपको ग्राफिकल वाले क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पे चाल और दूरी का एक क्वेश्चन आएगा, एएम पीएम वाला एक क्वेश्चन आएगा, और दोस्तों यहाँ पे जो है लाभ हानि का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और एक औसत वाला क्वेश्चन आ जाता है, और बारंबारता वाले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ भी सीटेट में नहीं आता, 15 नंबर की पैडागोजी आ जाती है और 15 नंबर की यहाँ पर आपको कंटेंट आ जाता है। दोस्तों मैं यहाँ बात करूं यहाँ पे जो 150 नंबर की, भाई आपको 150 नंबर का पेपर आ रहा है, मैं आपको बता दूं लगभग 90 नंबर की इसमें पैडागोजी होगी। क्या होगी दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर की पैडागोजी होती है। पैडागोजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र, भी आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस उम्र में बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, किस उम्र का बच्चा क्या सीखने के काबिल होता है क्या नहीं सीख सकता है,
कैसा उसका बैकग्राउंड है बच्चे का, तो किस तरह सीखेगा, कैसे उसकी मातृभाषा है, तो ये सारी जो चीजें है ना दोस्तों, ये क्या होता है, आपको ये चीजें आपको देखने को कहां पर मिलेगी, पैडागॉजी में मिलेगी। और ये पैडागॉजी का जो कंटेंट है, इसका जो निचोड़ है प्यारे दोस्तों, वो हम आपको करा कर देंगे। और बहुत अहम ये निचोड़ होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अच्छा खासा हमारा एक्सपीरियंस है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कितने सारे लोगों ने यार 130 120 लास्ट ईयर लेकर आया था हमारा, आप कमेंट बॉक्स जाकर देखिए, आप खुद उसे रियलाइज करिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो सभी लोग से कहूंगा कि रात 9 बजे आप लोग जरूर हमसे मिले, डेली लाइव क्लासेस होती है। और आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो, इसे फॉलो करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए घर बैठे। कोई भी पैट कोर्सेस आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि आपको बिना पैट कोर्सेज के भी हम आपका सीट क्लियर करके दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सभी लोग रात 9 बजे आए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ऐप जरूर डाउनलोड करें और एक प्यारा सा फीडबैक ऐप में मुझे छोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी से मिलता हूँ रात 9 बजे। थैंक यू।